अभी लगभग यहाँ पे अपने एक्सप्रेस दी वाले भाई आ गए, अभी यहाँ पे अपनी पूरी डिस्पैचिंग चल रही है। 1500 रुपए का पार्सल था भाई, ये स्कैन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उनको इस रिक्वेस्ट आपके मन में भाई बहुत सारे सवाल है बिजनेस रिलेटेड, ऑनलाइन बिजनेस रिलेटेड, तो ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस। Hey guys, welcome to another new business vlog. Guys, आपने लास्ट वाला व्लॉग देखा ही होगा कि कैसे भाई हम होली का चिल आउट करे थे, होली सेलिब्रेट करे थे और वही समय पूरा मार्केट भी बंद था। और जब हम रात को घर पे आए तभी रात के 11 बजे हमारे 202 ऑर्डर आए थे। लगभग 1 लाख रुपए का धंधा भाई एक दिन में बना था। तो 11 से 12 बजे के बीच में और हमारे 16 ऑर्डर आ गए थे, 15 से 16। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ भाई आज का हमारा टोटल काउंट जो है ना डिस्पैचिंग का वो कितना है। ये जो पेंडिंग टैग में है ना, ये अभी जस्ट सुबह मॉर्निंग में ऑर्डर आया और ये हमारे कल के ऑर्डर है। टोटल 216 ऑर्डर जो है ये हम आज डिस्पैच करने वाले हैं। तो हमने पैकिंग भी स्टार्ट कर लिया, सुबह 9:30 बजे पैकिंग स्टार्ट हो गई है, स्टार्ट हो गई है हमारी सब पैकिंग। लगभग ये 216 ऑर्डर जो है ना वो हमें पैक करने के लिए ना भाई लगभग 5 से 6 घंटे लगेंगे, मैक्सिमम 5 घंटे में तो हो जाएगा, क्योंकि ना 40 से 45 पार्सल 1 घंटे में एक बंदा कर लेता है। गाइस लगभग है ना अभी हमारे 80% पार्सल भाई पैक हो गए, अभी बस 20% पार्सल बचे हुए हैं। तो ये रहा हमारा टोटल यहाँ पे जो पार्सल पैक हुआ है वो। ये देखो गाइस, ये सब पार्सल जो आप देख रहे हो ना ये सब हमारे रिसेंटली पैक कर लिए हमने। अभी इसे हमने ऑलरेडी कुछ पार्सल हमारे स्कैन भी हो गए, अभी बाकी के पार्सल स्कैन करने बाकी। अभी लगभग ना हमारे 80% पार्सल जो है ना यहाँ पे पैक हो गए, अभी 20% पार्सल अभी पैक होने बाकी है। अभी यहाँ पे ये जो पार्सल देख रहे हो ना ये सब हमने स्कैन किए हुए अभी, और ये बाकी के भी है ना ये भी स्कैन कर रहे हैं। बाकी आपको अगर ये स्कैनर बाय करना है ना, इसमें ना आपको क्यूआर कोड भी स्कैन होते हैं और बार कोड भी स्कैन होते हैं, तो मैं इसके लिंक है ना भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो लिंक से आप बाय कर सकते हो। अभी लगभग ना मैंने ये भाई 2 दिन हो गए यूज कर रहा हूँ, लेकिन है ना ये मोबाइल से जो क्यूआर कोड रहता है ना ये स्कैन होता नहीं है, इसके लिए मैंने ये एंडी क्यूआर कोड स्कैनर लिया है भाई। मक्खन के जैसा चल रहा है, मतलब दिक्कत ही नहीं आ रही है, फटाफट आप देख रहे हो ना भाई तुरंत हो रहे हैं, देख तुरंत दूर से भी कैच कर रहा है पूरा बार कोड, आराम से स्कैन होता है। ये जो पीछे आप देख रहे हो ना भाई 216 225 लगभग ऑर्डर हमारे पूरे प्रॉपर पैक हो गए, अब ये डिस्पैच के लिए रेडी है। गाइज यहाँ पे अपने एक्सप्रेस भी वाले भाई आ गए, अभी यहाँ पे अपनी पूरी डिस्पैचिंग चल रही है। एक्सप्रेस भी के जितने भी पार्सल है ना वो हम उन्हें डिस्पैचिंग के लिए दे रहे हैं। गाइज जितने भी हमारे पार्सल रहते हैं ना उसका SQID है ना भाई वो हम खोड़ देते हैं, उसका रीजन एक है। यहाँ पे देखो ये SQID हमने मिटा दिया है, क्योंकि है ना गाइस डिलीवरी लॉजिस्टिक वाले जो रहते हैं ना वो SQID पढ़ के उनको पता चलता है कि भाई अंदर क्या चीज़ है, जिसके वजह से ना भाई RTO में बहुत सारे झोल हुए थे, मतलब अंदर का माल है ना भाई निकाल के लिया था और टेप से चिपका के भाई RTO रिटर्न कर दिया था, क्योंकि उन्हें तो भाई पता है अंदर के अंदर कितनी वैल्यू का सामान जा रहा है, कौन सी साइज का प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है, तो अगर उनके काम का है ना तो भाई निकाल लेते और स्कैम हो जाते अपने साथ। इसके लिए ना SQID भाई हमेशा मिटा के रखा है। जब मार्च क्लोजिंग है ना तो भाई ना 2-3 पार्टियां हैं, अभी 2 पार्टियों का पेमेंट भेजना है भाई, लगभग ना 1.5-1 लाख रुपया आज पेमेंट निकल जाएगा। और ना भाई मतलब माल इतना आ रहा है ना, मतलब हर दिन भाई NFT करनी पड़ती है हर दिन, और आज ना भाई मैं नहीं जा रहा हूँ, आज अंजलि को भेज रहा हूँ मैं NFT। गाइस यहाँ पे अपने कुछ दूसरे कंपनी के भी पार्सल से वो भी डिस्पैच सक्सेसफुली हो रहे हैं। गाइस ये बात है ना ध्यान से सुन लो, मतलब कभी कभी ना आपके कुछ पार्सल रहते हैं ना वो डिलीवरी बॉय को मतलब ना असाइन हुए नहीं रहते पिकअप पर्सन को, तो आपको ना उनके ऑफिस में मतलब कॉल करके ना वो असाइन करने पड़ते हैं। नहीं तो ये देखो ये मेरा 1500 रुपये का पार्सल था भाई, ये स्कैन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उनको इस रिक्वेस्ट ही नहीं थी, लेकिन मेरे पैनल पे भाई रिक्वेस्ट शो हो रही थी, तो उन्होंने ऑफिस से असाइन करके ले लिया, और ये सक्सेसफुली कस्टमर को शिप हो जाएगा। यहाँ पे अपने ईकॉम वाले भाई आ गए और यहाँ पे इशू ये हो गया है ना भाई कि अपने QR का है ना उनके डिवाइस में स्कैन ही नहीं हो रहा है। इसके लिए ना हर एक QR है ना भाई मोबाइल में जनरेट करके स्कैन करना पड़ रहा है, मतलब लगभग 50-60 पार्सल है, लेकिन भाई का आज तो 1 घंटा यहीं पे जाएगा। लगभग 4 बजने को आ गया और भूख भी लगी, इसलिए ना आज खाने में भाई है पोली, पूरन पोली खा के ले लेता हूँ। सो गाइस अभी हमारे डिलीवरी लॉजिस्टिक के जो भी पार्सल है ना वो भी सक्सेसफुल डिस्पैच हो रहे हैं। गाइज हमारे आज के जितने भी पार्सल थे ना भाई 216 ऑर्डर सक्सेसफुली शिप हो गए। और एक बढ़िया बात बताओ गाइज, हमारी जो वेबसाइट के ऊपर मैं जो काम कर रहा था ना भाई पूरी रेडी हो गई है, लगभग 90% वेबसाइट रेडी है, मतलब कुछ ही दिनों में भाई, मतलब कुछ ही दिनों में अपनी वेबसाइट लाइव हो जाएगी। मैं भी आपको दिखा देता हूँ पूरी डिटेल में, ये देख रहे हो गाइज ये अपनी वेबसाइट, यहाँ पे ये सब हमारी कैटेगरी है, और यहाँ पे देखो
ये सब रेडी है, पूरा टोटल वेबसाइट बन के रेडी है, खाली थोड़ा बहुत काम करना बाकी है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने सब ब्रांड भी दिखेंगे और यहाँ पे हम जो है ना कस्टमर को 549 पे फ्री शिपिंग देने वाले हैं। सीओडी भी अवेलेबल रखी है, लेकिन 49 रुपीज़ हम चार्ज करेंगे सीओडी के लिए। क्योंकि है ना गाइस, ये 49 रुपीज़ हम चार्ज नहीं करते, जब हम लॉजिस्टिक वाले को सीओडी का पार्सल डिलीवरी के लिए देते ना, तो वो हमसे ना लगभग 60 रुपया वो भी हमारे से चार्ज करते। इसके लिए 49 मिनिमम रखे, जिन्हें सीओडी में पेमेंट करना है वो सीओडी में कर सकते हैं, अगर उन्हें 49 बचाना है तो वो ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का भी काम चल रहा है। फोन पे का जो पेमेंट गेटवे है ना भाई, वो मैंने इंस्टॉल कर दिया है, पूरा हो गया रेडी, खाली उनके यहाँ से मुझे एक्सेस की आनी बाकी है। 2 दिन में वेरिफिकेशन में अपनी वो भी की आ जाएगी, तो अपना फोन पे भी अपने वेबसाइट के ऊपर लाइव हो जाएगा। इसे ना सबसे बड़ा भाई मेन टास्क जो है ना, वो सब प्रोडक्ट का जो डेटा है ना भाई, वो अपलोड करना है। मतलब वेबसाइट तो रेडी है, अभी सभी प्रोडक्ट्स के फोटोज, उनका डिस्क्रिप्शन, सब हमें प्रोडक्ट की लिस्टिंग अभी वेबसाइट के ऊपर स्टार्ट करनी है, तो उसमें भाई खाली टाइम लगेगा मेरे ख्याल से, और 1-5-6 दिन लगेंगे, उसके बाद सीधा वेबसाइट अपनी लाइव हो जाएगी। गाइस अभी अपने पास ना पुट्ठे वाला आया था, तो अपना पुट्ठा जो है ना वो सब लेके गया, अभी उसके शॉप पे जाना है, क्योंकि वेट जो है ना वो उसके शॉप पे करेंगे अभी अपन। भाई आ गया अभी पुट्ठे वाले के पास। बेच के ना लगभग 500 रुपए का अपनी कमाई हो गई है। चलो अभी फिर से वेयर हाउस पे। हे गाइस, अभी आ गया अपने वेयर हाउस पे। और गाइस, जो आज हमने धंधा बनाया ना, वो कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि भाई 1 लाख रुपए का धंधा एक दिन में हम बनाएंगे। जैसे कि भाई अपने लास्ट ब्लॉग में देखा कि हम भाई घूम रहे थे मस्त इमेजिका में, भाई चिल आउट कर रहे थे, हॉलीडे था, सब पूरा मार्केट बंद था, और हमने उस समय घूमते हुए भाई 1 लाख रुपए का धंधा बनाया। अगर आपने ये वाली वीडियो देखी नहीं ना, तो भाई देख लो, जबरदस्त वीडियो, मैं आई बटन में इसकी लिंक दे दूंगा। तो भाई 2 साल की अगर, मतलब 2-3 साल पहले की बात करूँ ना, मतलब 2021 की, तो भाई मेरा ना सबसे बड़ा भाई रिटेल काउंटर वंडर वुमन भाई क्लोज हो गया था, मतलब पूरा 0 इनकम हो गई थी मेरी। क्योंकि ना कोविड के वजह से बहुत सारा ऑफलाइन स्टोर में मेरे को लॉस हो गया, मेरा दुकान बंद हो गया, शटडाउन हो गया। तभी मैंने कभी सोचा नहीं था कि भाई फिर से मैं इतना बड़ा धंधा करूंगा। और तभी मैं विवेक बिंद्रा को भी देखता था, तो वो विवेक बिंद्रा जी भाई अपने वीडियो में बहुत बार बोलते थे कि भाई सोते हुए धंधा बनाओ, भाई सोते हुए धंधा बनाओगे, पैसिव इनकम करोगे, तभी आपकी गाड़ी चलेगी। तभी सोचा नहीं था कि भाई एक दिन ये एक्चुअल में पॉसिबल होगा, और आज वो पॉसिबल हो रहा है, पैसिव इनकम हमारी स्टार्ट हो गई है, साथ ही में भाई हम घूमते हुए भी पैसा बना रहे, तो ये सब मुमकिन हो पा रहा है भाई ऑनलाइन बिजनेस की वजह से। अगर आपने अभी तो ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट नहीं करा है, तो भाई यही सही समय है ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने का, तो आप कर सकते हो। और गाइस, रही बात आपके सवालों की ना, मुझे पता है भाई आपके मन में भाई बहुत सारे सवाल है बिजनेस रिलेटेड, ऑनलाइन बिजनेस रिलेटेड, तो ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं गाइस। इस संडे को 31 मार्च को भाई मैं आ रहा हूं 3 बजे यूट्यूब लाइव पे, तो अगर आप चैनल पे नए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ये अपॉर्चुनिटी आप मिस ना कर सको, और अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली के सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश में इस संडे को करूंगा। सिर्फ एक ही बात कहूंगा, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि उससे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। मैं मिलता हूं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।